मुस्लिम शादियों को लेकर बड़ा फैसला। तेलंगाना में शादी के लिए आधार हुआ जरूरी। नाबालिग के विवाह पर नपेंगे काजी। तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए आधार को जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को लगातार कम उम्र की लड़कियों की अरब नागरिकों से शादी कराए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए लड़का और लड़की का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। साथ ही किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को सभी शादियों का ब्यौरा ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकार ने सभी काजियों से कहा है कि दुल्हा दुल्हन बालिग हों तभी निकाह पढ़वाएं। सरकार की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अभी तक शादी के सारे मामले लिखित में होते हैं। राज्य भर में कहीं भी शादी हो तो उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए हैदराबाद के हज हाउस से संपर्क करना पड़ता है। हालांकि अब जब मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, मुस्लिम लड़कियों के निकाह के तुरंत बाद शादी का विवरण वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा ना करने पर शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें, साल 2017 के दिसंबर महीने में हैदराबाद पुलिस ने निकाह के बहाने नाबालिग लड़कियों का सौदा कर उन्हें विदेश ले जाने वाले 8 शेखों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी खाड़ी देश ओमान और कतर के रहने वाले थे। पुलिस ने निकाह कराने वाले 3 काजी सहित कई स्थानीय लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरब नागरिकों से कम उम्र की लड़कियों की शादी करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ था।